नमस्कार दोस्तों, विहान संध्या ज्ञान चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे पौधे के बारे में बताया जाएगा। इस पौधे का वनस्पतिक नाम कैथरैंथस रोजियस है। इंग्लिश में इसे पेरिविंक्ट, थिंक पेरिविंक्ट, ब्राइट आईज प्लांट, ग्रेवयार्ड प्लांट आदि कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे बारहमासी पौधा तथा सदाबहार पौधा नाम से जानते हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह पौधा मरगास्कर का मूल निवासी है और दक्षिणी मरगास्कर में इसे एक आक्रामक खरपतवार माना जाता है। अभी यह पौधा सजावट तथा औषधीय उपयोग के लिए कई जगह उगाया जाता है, जबकि कई ट्रॉपिकल तथा सबट्रॉपिकल देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा अमेरिका में इसकी खेती की जाती है। यह पौधा पूरे साल में लंबे समय तक फूल देने वाले पौधे के रूप में फेमस है। यह एक सदाबहार झाड़ी वाला पौधा है, जैसा आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं। इसकी पत्तियां अंडाकार से आयताकार, जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक लंबी तथा 1 से 3.5 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो सकती है। इसके पत्ते हरे तथा चमकदार होते हैं तथा इसके पत्ते एक दूसरे के अपोजिट में लगे रहते हैं। यह पौधा लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके फूल सफेद से गुलाबी, पिंक, डार्क रोज आदि कई रंग के हो सकते हैं और इसके फूल में लगभग 5 पंखुड़ियां होती है। इसके बीज छोटे छोटे काले काले एक फली के अंदर होते हैं। यह एक औषधीय गुणों वाला पौधा है। आयुर्वेद में इसके जड़ों तथा टहनियों का अर्क, जो कि जहरीले होते हैं, कई बीमारियों के खिलाफ प्रयोग किए जाते हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इसके अर्क का उपयोग मधुमेह, मलेरिया, हॉडकिंस, लिम्फोमा सहित कई बीमारियों के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इस पौधे का उपयोग कैंसर का इलाज करने वाली दवाओं में किया जाता है। इस पौधे के औषधीय गुण के साथ साथ इसके सभी पार्ट्स जहरीले हो सकते हैं, जिनको सीधा खाने से पेट में दर्द, हृदय व्यवस्थित पक्षपात, हाइपोटेंशन, यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस पौधे का उपयोग से पहले संबंधित चिकित्सक, वैद्य, विशेषज्ञ का सुझाव, सलाह, परामर्श लेना जरूरी है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। धन्यवाद।